चंबल की धरती में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान वैसे तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री काबीना मंत्री माननीय करण सिंह जी, ईमानदारी की मिसाल अगर कहीं है तो करण सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अभी लगातार राजस्व के घर बैठे कंप्लीट करने का काम किया, ऐसे करण सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी सरकार की महती उपलब्धि है। सरकार के पास मंत्री कोई करे तो मुख्यमंत्री का तो अपने आप कद बढ़ जाता है, वो है कि नहीं सही बात? अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताइए। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मंत्री आपके अपने यहां के विधायक मेहगांव के मेरे मित्र राकेश शुक्ला जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है, और पहले भी सांसद रही और अब आपके बीच में केवल चुनाव के रिजल्ट का देर है। आपने सबने तय कर लिया यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संजय राय जी फिर यहां से सांसद बन के जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत विनम्र, सुशील, सबके हृदय पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ने वाली हमारी बहन संजय राय जी, और विधायक हो तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जैसा हो। मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए। नरेंद्र सिंह जी आपके लिए तो वाकई एक अल्पो गाना सही साठ बैठता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कैसा अपनी विशालता होगी, विराटता होगी, ये नरेंद्र सिंह जी के जीवन से हम समझ सकते हैं। एक और नवोदित हमारे बहुत ऊर्जावान विधायक गुड्डू भैया अमरीश शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन अमरीश शर्मा जी के लिए। और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कामना भदौरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। अब आप ताली बजाते जाओ, मैं नाम बताता जाऊंगा। हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है नरवरिया जी। हमारे मेरे पुराने अच्छे दोस्त और पूर्व के मंत्री आपके यहाँ के विधायक ओपीएस भदौरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। पहले कलेक्टर रहे, फिर दोनों पार्टी के सांसद, पहले कांग्रेस टिकट देती और भाजपा से चुने जाते हैं, ऐसे भागीरथ जी प्रसाद पूरे देश का अनोखा उदाहरण बना है। रणवीर सिंह जाटव जी, पूर्व विधायक रणवीर सिंह जी, आपका वंदन अभिनंदन है। पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, मेरे अभिन्न मित्र अशोक अर्गल जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। नाम तो इतने सारे हैं, मेरे को यहां से निकलना था 1 बजे और अभी बज रहा है लगभग 2:30 और 4 कार्यक्रम बाकी, इसलिए पूरा मंच में सबके लिए वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूरे मंच के लिए करता हूं। धनुष आप अभिनंदन कर दें। आज मैं यहां आया हूं भिंड की धरती पर, और भिंड की धरती हम सब जानते हैं कि ये अलग अलग कारणों से पुजाती है, पहचानी जाती है। सबसे पहले ददरवाल के डॉक्टर हनुमान जी, बाप रे, हनुमान जी डॉक्टर बने तो इससे अच्छा क्या इलाज हो सकता है। लेकिन ददरवाल का जो अब कीर्ति प्रसिद्धि है, बोलो हनुमान जी महाराज की, हर युग में जो अजर अमर है, जिनकी कृपा हम सब पे सदैव रहती है, और जिनके लिए जीवन भर सबके मन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रहता है। और परसों ही हमारी शिवरात्रि है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का, पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी, और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहां की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली, लेकिन काल के प्रवाह में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था,
इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी, रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची। विवाह शादी कोई मौका आए तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होती है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं। इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। और हम अपने केवल शांतिप्रिय व्यवस्थाओं के लिए नहीं, लंबा समय निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जोरदार अभिनंदन करो हमारे मोदी जी के लिए, जिनके रहते हुए भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। लोक लुभावन, लोगों को ललचाने वाली योजनाओं के बजाय वो लोगों के दिलों पे राज करते, दिलों पे हमारे लिए इस बात का गर्व है। एक ऐसे नेता जो अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका खुद का परिवार भी नहीं है, लेकिन 22 करोड़ लोगों को घर बना के पक्का देते हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम का केवल नारा सुना था हमने, लेकिन समूची पृथ्वी, समूची वसुधा वो एक कुटुंब की तरह है। और ऐसे सांस्कृतिक भाव को जागरण करते हुए कोविड के कठिन काल में जिनने आपने आचरण से, व्यवहार से, पहले ताली फिर थाली, हमने जब ताली थाली बजाई तो कांग्रेस के लोग मजाक बना रहे थे, ताली थाली से क्या होता है, लोग समझ नहीं पाए। वो नरेंद्र मोदी जी थे, लोगों को लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में रखा और समय के साथ अंदर के सारे तंत्र खड़े करते करते, जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को, अपने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, दवाई व्यवस्थाओं को, नए टीका इजाद करने के लिए, और कम समय में ना केवल अपने 142 करोड़ देशवासियों की जान बचाई बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लिए भी दवाई उपलब्ध कराई। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की जरूरत है। तो जब 5 साल का हिसाब हमको रखना है, धीरे धीरे हम लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमको वो सारी बातें करना पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है, और जनता की ताकत को एहसास करा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपने को इस बात का गर्व है। आप अंदाज लगा लो कहां अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, देश की हालत खराब थी। मनमोहन सिंह जी तो बहुत होशियार थे, वित्त मंत्री थे, पता नहीं कितने गुण उनके पास थे, लेकिन उनको एक गुण मालूम नहीं था कि गरीब आदमी भी बगैर पैसे के बैंक में खाता खोल ले, ये नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। सभी बेईमानों की, सभी 400 बीसियों की और सरकारी पैसे पे डाके डालने वालों की सारी योजनाओं को धता बता करके, जिनका हक उन तक पहुंचाने का अगर किसी ने अधिकार दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार आवेदन करो नरेंद्र मोदी जी का। अभी अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने यहां सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है, जो फसल का मुआवजा नुकसानी हमारा हुआ है वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यही डल गया है। ये भाजपा की सरकार है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दे तो गलत क्या है, तो 6000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की योजना का। जोरदार अभिनंदन करो, वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया है। 80 लाख किसानों के खाते में
लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है, ये पूरा भारत भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है? एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान जिनके दो घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वह अपनी पूरी जवानी पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करूं अपने किसान बंधुओं के लिए जिनके कारण से ये मौका हमको मिलता है। आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें कह सकता था लेकिन टाइम कम है, इसलिए कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी कृषि कॉलेज की बात आई है आपके यहां से, यह भिंड में कृषि कॉलेज होना चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय के अंदर वो कॉलेज के जमाने गए जब कृषि कॉलेज अलग से खोला जाए। सामान्य विश्वविद्यालय में भी अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारी सरकार कराएगी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में भिंड में कृषि के बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोला जाएगा, यहां के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। आपने कहा कि गोरी सरोवर का कोई आपने सौंदर्यीकरण का निर्णय बताया, मेरे को प्रस्ताव दिया है। भिंड के अंदर गोरी सरोवर का संपूर्ण कायाकल्प करते हुए उसका विकास करा जाएगा, हमारी सरकार उसका विकास करेगी। आपने कहा कि नया गांव में महाविद्यालय खोलना है, पचास पंचायत लगती है और कॉलेज खोलना है। मैं परीक्षण करा करके वहां कॉलेज घोषणा करता हूं कि वहां भी कॉलेज खोला जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ने जाए। क्यों स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? यह बदलते दौर की सरकार है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ मुझे बताया कि इटावा से भिंड का रास्ता, हमारी सांसद जी ने कहा है कि ग्वालियर से भिंड इटावा 6 लेन स्वीकृत हो चुका है लेकिन बार बार काम चालू नहीं होता है। आपने बोला इधर मंजूर करते हैं, क्यों चालू नहीं होता? 10 बार होगा, एक बार नहीं, ये रोड अपना 6 लेन बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो संध्या जी के लिए। ये हमारी बहन जी कोई बात मांगे तो हम इनकी मांग मंजूर नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? विकास के मामले में कोई अड़ंगा नहीं, ये भाजपा की सरकार है। हम सब जानते हैं, एक भैया साहब पैदल पैदल घूम रहे हैं, उनकी पार्टी ने पहले तो भगवान राम का विरोध करा, भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करा, और आप क्या कहते हैं? राम आपके ही नहीं, राम हमारे भी है। हाँ भैया, हमारे और तुम्हारे राम में ये अंतर, हम तो जय श्री राम करके कार सेवा का आंदोलन करने गए और तुम और तुम्हारे साथ वालों ने गोलियां चलाई, कांग्रेस ने पीठ थपथपाई उनको, ये पाप आपके माथे है, इसको कोई नहीं बचा सकता। और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और फैसले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के गए, तब भी आप नहीं आए। जब लोकार्पण हो रहा है, अरे कोई बात बताओ, किसी को कोई निमंत्रण देता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, आपकी इच्छा हो या मत हो, कोई उसको ठुकराता है क्या? कोई मुंह पे मना करता है क्या? लेकिन ये कांग्रेस के बेशरम लोग जिनने इतने बड़े हिंदू समाज की भावना का, और केवल हिंदू नहीं, मैं बधाई देना चाहूंगा, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई और कोई समाज, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा। हम सब वो गौरवशाली पल को भूल नहीं सकते हैं, 22 जनवरी का वो दिन। लेकिन इन अभागों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया है। मैं जानता हूं भिंड के लोग समझदार है, जो हमारे देवी देवता का अपमान करे, जो हमारे अपने धर्म का अपमान करे, जो साधु संत का अपमान करे, क्या आप मान सकते हो उनका सम्मान होगा? कोई इधर से बोलो, कोई उनका सम्मान करेगा क्या? इधर से आवाज आना चाहिए, भगवान जय जय श्री राम।
उधर से आवाज आंच जय जय श्री राम। अगर मेरी बात से सहमत हो तो सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी। ये दुष्ट पापियों अभागों के साथ जो हमारे देवी देवता का अपमान करे, हम इनको मौका नहीं देंगे। सारा हिसाब चुकता करेंगे। लोकतंत्र के अंदर हमको कहीं डंडा बंदूक गोली लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में यश है, इधर आपने बटन दबाया, उधर अपना हिसाब अपने आप चुकता हुआ। बोलो तैयार हो? तैयार हो तो बोलो मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक मेरे पास एक प्रार्थिया बहन शारदा बघेल आई, इनके पति का करंट के बाद निधन हो गया। इन्हें कहा कि मेरी कुछ मदद करो, तो मैं आज यहीं से घोषणा करता हूं कि 4 लाख रुपया इनको इनकी मदद पहुंचाने का काम हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेगांव की नगर पंचायत, अमायन में नहर, सिंधु में गोरम पुल, और आपने जो जो कहा आपके लिए क्या मना, मंत्री महोदय आप जो कहोगे सब करेंगे। जोरदार ताली बजाओ राकेश जी के लिए।